केजरीवाल सरकार की लापरवाही के कारण ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में मर रही जनता। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में सही समय पर ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा सकी दिल्ली सरकार। 8 मरीजों की हुई मौत। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार की लापरवाही ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संभावनाओं को और बल दिया है। किसी ने सही ही कहा है, अति सर्वत्र वर्जिते, यानी किसी भी चीज की अति हर जगह वर्जित है। जिस प्रकार से दिल्ली एक अकर्मण्य और गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री की लापरवाही के कारण करा रही है, उससे स्पष्ट होता है कि आखिर क्यों दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना अवश्यंभावी है। केंद्र सरकार के लाख सहायता देने, दिल्ली हाई कोर्ट के लाख नसीहत देने के बावजूद स्थिति जस की तस है। ना तो समय से आवश्यक दवाइयां मरीजों को पहुंच पा रही है और ना ही अस्पतालों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच पा रही है। स्थिति तो ये है कि लोग ऑक्सीजन के अभाव में अब भी अपनी जान गंवा रहे हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली के बत्रा अस्पताल को ही देख लीजिए। यहाँ पर 8 मरीजों की मृत्यु हो गई, जिसका प्रमुख कारण था ऑक्सीजन की कमी। इसमें एक डॉक्टर भी शामिल थे और ये दूसरा ऐसा मामला है जहां पर प्रशासनिक लापरवाही के कारण लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अस्पताल प्रबंधन की माने तो उन्होंने सुबह 7 बजे ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन दिल्ली सरकार के पास ऑक्सीजन थी ही नहीं। तो इसमें दिल्ली सरकार का क्या दोष है? यहां दिल्ली सरकार पूरी तरह दोषी है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा निरंतर मदद देने, दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अनेकों बार हड़काए जाने और अनेकों राज्यों जैसे असम और ओडिशा द्वारा मदद की पेशकश करने के बावजूद अब तक एक बार भी केजरीवाल सरकार ने दिल्ली क्षेत्र के लोगों को वुहान वायरस से बचाने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाया है। सार्थक कदम उठाएंगे भी कहां से? विज्ञापन करके अपनी छवि चमकाने से दिल्ली के मुख्यमंत्री को फुर्सत जो मिले। बत्रा अस्पताल तो मात्र एक उदाहरण है। प्रशासनिक लापरवाही के कारण दिन प्रतिदिन दिल्ली में कई मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। खबर लिखे जाने तक बत्रा अस्पताल में 12 लोग ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान गंवा चुके थे, लेकिन दिल्ली सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। उल्टे दिल्ली हाईकोर्ट केंद्र सरकार को ही बलि का बकरा बनाने में लगी पड़ी थी, जबकि केंद्र सरकार ने आवश्यकता से अधिक 500 से अधिक मेगाटन की ऑक्सीजन सप्लाई की थी। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली को स्पष्ट तौर पर राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले एक वर्ष में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि उनके बस में कुछ नहीं है। ना तो उनसे प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाली जाती है, ना तो उनसे दंगे रोके जाते हैं, और तो और वुहान वायरस जैसी महामारी को रोकना भी उनके बस की बात नहीं है। अक्सर केजरीवाल रोना रोते हैं कि केंद्र सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वे खुद ही कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं। रेलवे से लेकर कई राज्य सरकारों ने मदद की पेशकश की है कि आप हाथ बढ़ाइए तो सही, लेकिन केजरीवाल सरकार खुद भले दिल्ली को स्वाहा कर दे, परंतु मजाल है कि वह दिल्ली को जरा भी राहत दिलाने के लिए कोई कदम उठाए। स्वयं दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को उनके इस आलस के लिए जमकर कोसा और कहा कि क्या आपको सब कुछ थाली में सजा कर परोसा जाए। अब बत्रा अस्पताल में जो हुआ है उससे स्पष्ट पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल के बस की कुछ नहीं है और केंद्र सरकार को जल्द ही सब कुछ अपने हाथ में लेना पड़ेगा, अन्यथा दिल्ली के बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी।